Welcome to this new session on history. Me, Sachin Goyal, Dr. Krishna Coaching, welcome you all for and in this coaching, this session of history. Start karte hain. Aaj ka jo hamara session jo revolve karega, ye fifth lecture of history hai. Theek hai. Aur isme main karwane ja raha hoon aapko Khilji Dynasty. Khilji. Ji haan. Khilji Dynasty. इससे पहले मैं बताना चाहूंगा ब्रीफ में कि सबसे पहले आती है एंशिएंट हिस्ट्री, फिर उसके बाद आता है मिडिवल हिस्ट्री, और फिर आती है लास्ट में मॉडर्न हिस्ट्री. जो इस्लामिक रूल है वो इसमें आ जाता है 1206 से 1707. और 1707 में क्या हो गया था, डेथ हो गई थी औरंगजेब की. उसके बाद ये हिस्ट्री को मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं. बेसिकली ब्रिटिश रूल सबसे मेन पोर्शन है मॉडर्न हिस्ट्री का. और 1206 में क्या हुआ था, दिल्ली सल्तनत का राज शुरू हुआ था, दिल्ली सल्तनत. क्लियर. और फिर आता है एंशिएंट हिस्ट्री, जितना भी हिंदू रूल था उस सारे को एंशिएंट हिस्ट्री में स्टडी किया जाता है. अब हम बात करेंगे ब्रीफ में मिडिवल हिस्ट्री के बारे में. मिडिवल हिस्ट्री को बेसिकली दो हिस्सों में बांटकर पढ़ते हैं. पहला हिस्सा है दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, और दूसरी है मुगल्स. दिल्ली सल्तनत को फर्दर पांच हिस्सों में बांटकर पढ़ते हैं. ठीक है, सबसे पहले यहां पर स्लेव्स ने राज किया, गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी. फिर उसके बाद खिलजी डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी. फिर उसके बाद तुगलक डायनेस्टी. फिर उसके बाद सैयद डायनेस्टी. और फिर उसके बाद लोदी डायनेस्टी. क्लियर. और स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत कैसे हुई, जब भारत में एंशिएंट हिस्ट्री के एंड का टाइम था, उस टाइम यहां पर किसका राज था, भारत में राजपूत राज करते थे, जिनका टाइम पीरियड था 800 टू 1200 एडी. और इस टाइम जब ये खबर बाहर गई कि वो सोने की चिड़िया, वहां पर जिन राजपूतों का राज है वो आपस में लड़ रहे हैं, देयर वर फोर क्लैंस ऑफ राजपूत. ठीक है, वो आपस में लड़ते थे, उनमें यूनिटी नहीं थी. तो यहां पर स्टार्ट हुआ अरब कॉन्केस्ट, अरब्स ने हमला करना शुरू किया. सबसे पहला अरब इन्वेजन था कासिम का 712 एडी. फिर उसके बाद घजनी ने अटैक किया और उसके बाद घोरी ने अटैक किया. पर घोरी ने वापस जाते हुए यहां पर अपने सिपे सलारों को छोड़ दिया था और उन्होंने अपने आप को राजा डिक्लेयर कर दिया. तो शुरू हुआ गुलामों का राज. घोरी का गुलाम राजा बना कुतुबुद्दीन ऐबक. कुतुबुद्दीन ऐबक. फिर उसके बाद इसके वंशज ने राज किया और आखिरी में गुलाम वंश खत्म हुआ और किसका राज शुरू हुआ, खिलजी डायनेस्टी. खिलजी डायनेस्टी. गद्दी पर जो बैठा था कैकुबाद, उसको कमांडर चीफ स्लेव डायनेस्टी के आखिरी राजा को मारकर राजा बना, जो उसने शुरू की खिलजी डायनेस्टी, और जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी. इस प्रकार खिलजी डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुई. अब मैं खिलजी डायनेस्टी की कुछ मेन मेन बातें आपको बताना चाहूंगा. लेट्स स्टार्ट विद जलालुद्दीन खिलजी. कब से कब तक राज किया जलालुद्दीन खिलजी ने, वेट मैं अभी आपको बता देता हूँ. जलालुद्दीन खिलजी का जो रूल था, ठीक है, ये एक ऐसा रूल था जिसमें डिफरेंट हिस्टोरियंस के डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं कि कैसा इंसान था जलालुद्दीन खिलजी. क्लियर. तो जलालुद्दीन खिलजी की अगर हम बात करें तो ही रूल्ड फ्रॉम 1290
1296 1290 से 1296 ठीक है जी। और इस ये पहला वो मुस्लिम राजा था जो भारत में लेकर आया कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। उसने कहा कि जहां इंडिया में मेजॉरिटी हिंदूज रहते हैं और मुस्लिम्स कम हैं, वहां पर इंडिया को एक इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर करना गलत है। He opposed the status of India as an Islamic state. और इसने अडॉप्ट किया, जलालुद्दीन खिलजी ने क्या अडॉप्ट किया, सेक्युलरिज्म एंड टॉलरेंस, कि टॉलरेट करना है दूसरे धर्म के लोगों को यानी हिंदुओं को। क्लियर, और आगे चलते हैं इसके बाद हम, ठीक है नेक्स्ट। और इसने अपनी बेटी की जो शादी करवाई वो किससे कराई, टू उलुग खान। टू उलुग खान, कौन था उलुग खान? He was a descendant of चंगेज खान। चंगेज खान इतिहास का एक बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। He was from मंगोलिया, मंगोलिया का था, और ये इतना बड़ा राजा था, इसने पूरे यूरेशिया पर राज किया। यूरेशिया, यूरेशिया क्या है? दो कॉन्टिनेंट्स को ऐड कर दो, यूरोप और एशिया। यूरोप प्लस एशिया को मिला दे अगर तो सबसे बड़ा टुकड़ा बन जाता है, और वो है यूरेशिया। क्यों? क्योंकि अभी भी जियोलॉजी में, जब आप जियोलॉजी की बात करते हैं, तो वहां पर नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स को लेकर डिफरेंट थ्योरीज हैं, और वो कहते हैं यूरोप और एशिया एक ही लैंड ब्लॉक का टुकड़ा है, एक मेगा ब्लॉक है, ठीक है। वो तो सिर्फ सोशली ये अलग हो गए हैं, लेकिन जियोलॉजिकली ये एक ही टुकड़ा है, यूरोप और एशिया। क्लियर, और इसने अपने भतीजे जलालुद्दीन खिलजी ने मैट्रिमोनियल अलायंसेस के साथ से इसने अच्छे रिलेशंस बनाए थे मंगोलिया के राजा के साथ, इसने जलालुद्दीन खिलजी ने। अब जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा जो इसका नेफ्यू था, यानी बेटे का भाई, ठीक है, उसको इसने, ठीक है, उसको उसके साथ इसने पहले तो अपनी एक बेटी की शादी की, एंड नेफ्यू बिकेम सन इन लॉ। इसका नाम क्या? अलाउद्दीन खिलजी। और इसने उसको कहां भेजा? देवगिरी भेजा, ठीक है, कि उस राजा को हराओ। किस राजा को हराओ? रामचंद्र को हराओ। और अलाउद्दीन खिलजी वहां गया, उसने रामचंद्र को हराया और उसका खजाना लूटा, ठीक है, और सारा पैसा लाकर किसके पास आ गया? वो जलालुद्दीन खिलजी के पास, अपने अंकल के पास। मगर आकर इसने क्या किया, क्योंकि बहुत वेल्थ थी इसके पास, इसने जलालुद्दीन खिलजी के सभी लोगों को खरीद लिया, और फाइनली अलाउद्दीन खिलजी किल्ड जलालुद्दीन खिलजी और खुद बन गया राजा अलाउद्दीन खिलजी। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग राजा था, ठीक है जी। और अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड शुरू होता है, 20 years इसने भारत पर राज किया, 20 साल। क्लियर, अब ये काफी क्रूअल राजा माना जाता है, जिसने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई इसने उसके पूरे परिवार को मार दिया, खत्म कर दिया, ठीक है। इसके ऊपर एक मूवी बनी है पद्मावत, ठीक है, पद्मावत, उसमें विलन रूप में दिखाया गया है अलाउद्दीन खिलजी को। हिस्टोरियंस, जो इतिहासकार है, अगर आप पाकिस्तान के इतिहासकारों के वर्णन को सुनेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी आपको एक हीरो लगेगा। हिंदुस्तान के इतिहासकारों की किताबें जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये एक विलन लगेगा। क्लियर, तो इस तरह की बायसनेस हिस्ट्री में मिलती है। और आगे चलते हैं, अब गुजरात की जो कैपिटल थी वो थी उस समय में अनहिलवाड़ा, अनहिल, ANHIL, अनहिलवाड़ा। अनहिलवाड़ा का राजा था बाघेल राय करण, और उसकी बेटी थी बाघेल राय करण, अनहिलवाड़ा की राजकुमारी थी, अनहिलवाड़ा के राजा बाघेल राय करण की बेटी थी प्रिंसेस देवल देवी। क्लियर, शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल। क्लियर, शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल। तो किताबों में ये लिखा है कि खिलजी ने देवल देवी को पाने के, खिलजी का एक बेटा था अलाउद्दीन खिलजी का,
उसने देवल देवी को पाने के लिए अटैक किया, किस पर? गुजरात पर, ओके। और वहां पर 1000 दिनार में खरीद लिया वहां का सिपे सालार मलिक काफूर। यह और इस मलिक काफूर ने हाथ मिला लिए खिलजी से और अपने राजा को दिया धोखा, मगर रातों रात राजा बागेल रायकरण अपनी बेटी देवल देवी को पिछले दरवाजे से निकाल कर ले गया, जिससे देवल देवी की जान भी बच गई और बागेल रायकरण भी बच गया। फाइनली जब खिलजी फौजें एंटर हुई महल के, तब उन्हें ना राजा बागेल रायकरण मिला ना ही देवल देवी। वहां पर उन्हें मिला कौन? बागेल राय करण की वाइफ कमला देवी। कमला देवी, ये कमला देवी को ही अपने साथ ले आए। और इस कमला देवी से शादी की किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये अनिल वाड़ा एपिसोड था, ओके। और अगली कहानी, एक क्वीन पद्मावती हुआ करती थी, चित्तौड़ की क्वीन, चित्तौड़, ठीक है जी। और चित्तौड़ के राजा थे राणा रतन सिंह, क्लियर। तो कुछ ऐसी कहानी है, ये बुक है मलिक मोहम्मद जायसी की लिखी हुई पद्मावत, ठीक है, जिसमें लिखा गया कि पद्मावती बहुत खूबसूरत थी, अलाउद्दीन खिलजी का दिल आ गया पद्मावती पर, इसलिए उसने अटैक किया चित्तौड़ पर। और जब हार गया राणा रतन सिंह इस जंग में, धोखे से जीता वो, ठीक है, पहले कुछ ऐसी बातें हुई कि हमें एक बार शक्ल दिखा दीजिए पद्मावती की, हम वापस चले जाएंगे, वो तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा शीशे में शक्ल दिखा दीजिए, इसको लेकर वो तैयार हुए, ठीक है। मगर धुएं की वजह से वहां कुछ धुंधली पिक्चर थी, जिससे उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने अटैक कर दिया चित्तौड़ पर। किसने अटैक कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने। और जब ये बात रानी तक पहुंची, सभी लेडीज को लेकर वो छत पर गई, एंड क्वीन पद्मावती कमिटेड जौहर, उन्होंने अपने आप को क्या कर दिया? बर्निंग द सेल्फ, खुद को आग लगा देना। ऑल द लेडीज, सभी औरतों ने अपने आप को जिंदा जला दिया, ठीक है। हम हिंदुस्तानी हमेशा से कहते आए हैं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते हैं, अपनी जान कुर्बान कर देंगे पर जिएंगे इज्जत के साथ। नेक्स्ट, फिर अलाउद्दीन खिलजी इसके लिए भी फेमस है कि इसके समय में हाईएस्ट लेवल ऑफ करप्शन हुआ करती थी। जिन घोड़ों को पालने के नाम पर सरकार से पैसा लिया जाता था, असल में उतने घोड़े कोई सिपे सलार रखता नहीं था। तो इसने एक प्रैक्टिस स्टार्ट की, दाग। दाग का क्या मतलब है? ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस। और दूसरी इसने स्टार्ट किया चेहरा, यानी डिस्क्रिप्शन ऑफ द फेस। याद रहे उस समय पर कैमरा नहीं हुआ करता था, तो पासपोर्ट साइज फोटो फॉर्म पर नहीं लग सकती थी। तो आप कितने सिपाहियों को मेंटेन कर रहे हैं, इसका रिकॉर्ड मेंटेन कैसे होगा? डिस्क्रिप्शन ऑफ फेस ऑफ द सोल्जर्स को नोट किया जाता था, और जो घोड़े रखे जाते हैं उनकी पीठ पर दाग दिया जाता था एक मुहर, एक चिन्ह, एक नंबर, क्लियर, जिससे पता चले कितने घोड़े कौन इंसान राजा के नाम पर, राजा के अंडर रखे हुए हैं, क्लियर। सो द टू प्रैक्टिस स्टार्टेड बाय हिम वर दीज टू, दाग एंड चेहरा। ये आपके सामने लिख रहा हूं, दाग एंड चेहरा, जहां दाग का मतलब है ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, वहीं चेहरा का मतलब है डिस्क्रिप्शन ऑफ द फेस, ओके। अब मैंने ये सारी कहानियां कहां से पता चलती हैं? बुक है पद्मावत, असली चित्तौड़ की कहानी यहां से पता चलती है। किसने लिखी? मलिक मोहम्मद जायसी, क्लियर। और डिटेल में बहुत बातें बताऊंगा मैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको, ठीक है। इसने देखा कि हमेशा शाही घराने के लोग ही करप्शन करते हैं, और फिर उसके बाद राजा के खिलाफ षड्यंत्र यानी कॉन्स्पिरेसी करते हैं। ऐसा ना हो, इसके लिए इसने क्या रूल्स बना दिए? 4 ऑर्डिनेंसेस लेके आया था। क्या लेके आया था?
फोर ऑर्डिनेंस यानी लॉज बनाए थे किसने, अलाउद्दीन खिलजी। उसमें चौथे नंबर का था वो यही था कि नोबल्स कैन हैव सोशल मीटिंग्स पार्टीज एंड गैदरिंग्स ओनली आफ्टर द परमिशन ऑफ सुल्तान। यानी कि अगर शादी करनी है राजघराने में किसी ने किसी से तो परमिशन लेनी होगी किसे, अलाउद्दीन खिलजी से। क्लियर। और इसकी कोर्ट का जो कोर्ट पोएट था वो कौन था, आमिर खुसरो और मीर हसन दहलवी। मीर हसन दहलवी मार्केट की करप्शन को देखते हुए इसने रूल्स बनाए और वो कहते हैं हमने क्या बनाया, मार्केट कंट्रोल रेगुलेशंस। ठीक है, वेट्स एंड मेजरमेंट्स को लेकर स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए। कुछ ऐसी कहानियां तक सुनने में आती हैं कि रूल बनाया गया कि जो लाला जितना कम तोल रहा होगा उतने वेट का मांस उसकी थाई से निकाला जाएगा। ठीक है, स्लेव ट्रेड, जी हाँ तब स्लेव ट्रेड काफी होता था, स्लेव ट्रेड के लिए भी रूल्स बनाए, गुलाम मंडी के नियम बनाए अलाउद्दीन खिलजी। चले आगे, और आगे चलते हैं, ये लिख सकते हैं आप, यहाँ भी लिखा हुआ ही स्टार्टेड वेट्स एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट। ओके, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स। इसके अलावा भी कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा अबाउट हिम, तो आप खुद नोट कर सकते हैं। अच्छा, हजार दिनारियों में बता चुका हूँ, मलिक काफूर जिसको ये लेकर आए थे 1000 दिनार में, उसी को कहा जाता है हजार दिनारी। ठीक है, फिर एक और चीज आती है हजार सुतून। व्हाट इज हजार सुतून, हजार सुतून क्या है, लिख सकते हैं ही बिल्ट अ पैलेस ऑफ 1000 पिलर्स। एक ऐसा पैलेस अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया जिसमें 1000 पिलर्स थे, 1000 पिलर्स। और इसने एक और चीज बनाई थी अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा है क्या, अलाई दरवाजा क्या है, अलाई दरवाजा है एंट्रेंस गेट ऑफ कुतुब मीनार, एंट्रेंस गेट ऑफ कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा बनवाया इसने। ठीक है जी, कई किले इसने बनवाए और उसमें एक इंपॉर्टेंट किला है अलाई फोर्ट, इसने किला भी बनाया अलाई फोर्ट। क्लियर, इतना काफी है वैसे। ठीक है, और आगे चलते हैं। अब जब इसकी मौत हुई तब जो इसका सबसे करीबी सिपे सालार था उसने गद्दी को इनडायरेक्टली अपने कब्जे में ले लिया, कैसे, अलाउद्दीन खिलजी के, जी हाँ अलाउद्दीन खिलजी के 16वें बेटे उमर शहाबुद्दीन को गद्दी पर बिठाकर खुद राज करना शुरू कर दिया। और मैं बता दूं ये सिर्फ एक 6 साल का बच्चा था, 6 ईयर ओल्ड उमर शहाबुद्दीन उस समय केवल एक 6 साल का बच्चा था जिसको गद्दी पर बिठाकर राज कर रहा था मलिक काफूर। मलिक काफूर को ज्यादातर लोग पसंद नहीं किया करते थे, ठीक है जी, और खास करके मुबारक शाह द एल्डेस्ट प्रिंस, जो मुबारक शाह था ये कौन था, ये एल्डेस्ट प्रिंस यानी एल्डेस्ट सन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी का। तो ज्यादातर लोग मुबारक शाह हजार दिनारी को यानी मलिक काफूर को पसंद नहीं करते थे। कुछ ऐसी तक कहानियां हैं और पद्मावत फिल्म तक में दिखाया गया कि देयर वॉज होमोसेक्सुअलिटी बिटवीन मलिक काफूर एंड अलाउद्दीन खिलजी। हालांकि मुझे ये बात पूरी तरह सच नहीं लगती है, ये इंडियन हिस्टोरियंस लिखते हैं, पाकिस्तान हिस्टोरियंस या कोई मुस्लिम हिस्टोरियंस इस तरह की बातें अलाउद्दीन खिलजी और मलिक काफूर के बारे में नहीं लिखते हैं। और आगे चलते हैं। ठीक है, तो
मुबारक शाह जो एल्डेस्ट प्रिंस था वार ऑफ सक्सेशन में, उसने क्या किया, गद्दी से हटाया उसको, मलिक काफूर को और उस छोटे बच्चे को, और खुद बन गया राजा मुबारक शाह, किल्ड उमर शहाबुद्दीन एंड मलिक काफूर। ये उसने अपने लोगों से काम करवाया, क्लियर, क्योंकि ये जेल में था उस समय। और आगे चलते हैं, फिर मुबारक शाह एक ऐसा राजा था जिसके बारे में किताबों में ये लिखा जाता है कि उसे दो, उसने एक बहुत बड़ी गलती की। क्या गलती? मुस्लिम्स उस समय भारत में डिवाइडेड थे कुछ पार्टीबाजी में। कुछ मुसलमान ऐसे थे जो ईरानी मुसलमान थे, कुछ ऐसे मुसलमान थे जो तुरानी मुसलमान थे, कुछ ऐसे मुसलमान थे जो अफगानी मुसलमान थे। तब ईरानी तुरानी बहुत है, खासकर तुरानी बहुत होते थे, ठीक है। ईरानी तुरानी, ईरानी यानी जो ईरान से आए थे, जो तुर्की से आए थे वो तुरानी, और जो अफगानिस्तान से आए थे वो अफगानी। एक और क्लास थी हिंदुस्तानियों की, ठीक है, एक और क्लास थी मुस्लिम्स की, और उसे हम कहते थे हिंदुस्तानी मुसलमान। हिंदुस्तानी मुस्लिम लोग, इनको बर्दूज वर्ड भी यूज हुआ है इनके लिए, बर्दू। तो एस्टीम में जो पहले तीन थे, ईरानी तुरानी अफगानी, वो हाई थे और अपने आप को प्योर मुस्लिम्स कहा करते थे, क्योंकि इनके जितने भी बाप दादा थे वो भी सब मुस्लिम थे। मगर ये तीनों हिंदुस्तानी मुसलमानों को ओरिजिनल मुसलमान नहीं मानते थे, और मानते थे कि ये क्या है, ये इम्प्योर, या फिर नए नए जो मुस्लिम बने हैं वो हैं। और क्यों? इनके बाप दादा ज्यादातर हिंदू थे, समझ में आया। तो इस कारण से ये नकली मुसलमान माना जाता था हिंदुस्तानी मुसलमानों को, और ईरानी तुरानी अफगानी, ईरानी तुरानी अफगानी मुसलमानों को ओरिजिनल मुसलमान माना जाता था, क्लियर। तो इस कारण से ये तो इतना तक कह दिया जाता था कि ये शायद वो लोग हैं जो मुस्लिम राज में, इस्लामिक राज में अच्छी गवर्नमेंट जॉब्स पाने के लिए मुसलमान बने हैं, क्लियर, और कन्वर्ट होकर ये अभी अभी बने हैं हिंदुस्तानी मुसलमान, बर्दूस। तो कभी भी हिंदुस्तानी मुसलमानों को महल के अंदर की हाई लेवल जॉब्स नहीं मिला करते थे, मगर इसको साइड पे रख दिया मुबारक शाह ने, और उसने दो भाइयों को दो कन्वर्टेड मुसलमान, जो कन्वर्ट होकर मुसलमान बने थे, यानी दो हिंदुस्तानी मुसलमानों को उसने टॉप पोजीशंस दे दी, ठीक है, ओके। खुसरो शाह हसन, खुसरो शाह हसन और हशमुद्दीन, वैसे नाम था हसन और हशमुद्दीन, एक नाम था हसन और एक था हशमुद्दीन। हसन को टाइटल दिया, हसन को ये खुसरो ROE, हसन को एक भाई को टाइटल, बड़े वाले भाई को टाइटल दिया राजा ने खुसरो शाह का, कि ये खुसरो शाह है। खुसरो वर्ड का मतलब क्या है? अ वेरी लर्नर्ड मैन, अ वेरी इंटेलिजेंट मैन। और कुछ हिस्टोरियंस ये भी लिखते हैं दैट दीज टू ब्रदर्स हैड होमोसेक्सुअल रिलेशंस विद द किंग मुबारक शाह, दे हैड अ डिवोर्स्ड लाइफस्टाइल, ठीक है। इस कारण से नोबल्स जो थे पसंद नहीं करते थे इनमें से किसी को भी, ना मुबारक शाह को ना ही इन दो भाइयों को। एक दिन प्यार में धोखा हो गया, ये दो भाई हसन और हशमुद्दीन, लोग कहते थे प्यार है हसन हशमुद्दीन के और राजा के बीच में, इन दो भाइयों ने मर्डर कर दिया राजा मुबारक शाह का, और खुद राजा बन गया कौन, हसन यानी खुसरो शाह। कैसे? इन्होंने क्या किया, 1000 हिंदुस्तानी मुसलमानों को नौकरी दे दी, गुड जॉब्स दे दी, महल के अंदर की नौकरी दे दी, और उनकी हेल्प से कॉन्स्पिरेसी करके किल्ड मुबारक शाह,
और राजा बना कौन? खुसरो शाह। इसने शादी की देवल देवी से, जिस देवल देवी को उठाकर नहीं ला पाए थे पहले, बाद में अपनी मर्जी से उसने अलाउद्दीन खिलजी के बेटे से शादी की थी उलुग खान से, मगर वो विडो हो गई थी। देवल देवी इस समय एक विडो थी, और कैसे विडो थी कि इसने उलुग खान से शादी की थी, और उलुग खान कौन था? सन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। उसकी डेथ हो गई, ये हो गई विडो, और विडो देवल देवी से शादी की खुसरो शाह ने, हिंदुस्तानी मुस्लिम। क्लियर? मगर कमांडर इन चीफ को यह पसंद नहीं आया कि ओरिजिनल मुसलमानों के ऊपर राज कर रहा है कोई डुप्लीकेट मुसलमान। क्लियर? और तब का जो कमांडर इन चीफ था घाजी मलिक, इसने हत्या की। ही किल्ड, किसको किल किया? खुसरो शाह यानी हसन को। किल्ड हिम का मतलब है हसन, यानी खुसरो हसन शाह, खुसरो शाह हसन, ठीक है। एंड हशमुद्दीन, छोटा भाई। कौन था गाजी मलिक? ये कमांडर इन चीफ था, सेनापति था। जात यही हुआ कि सेनापतियों ने ही तख्ता पलटा, और इसने खुद की अपनी डायनेस्टी स्टार्ट कर दी, जिसका नाम है तुगलक डायनेस्टी। यस, ही स्टार्टेड तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। और इनको कराउना टर्क्स भी कहते हैं। मैं अपने अगले सेशन में आपको डिटेल में इसके बारे में करवाऊंगा, ठीक है। अभी कुछ देर में आपको मेरा नेक्स्ट सेशन मिलेगा रिलेटेड टू तुगलक डायनेस्टी। ओके, आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स दीजिएगा, ठीक है। और जरूर शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक दिस वीडियो, एंड आल्सो ठीक है, यू विल फाइंड दिस ऑन यूट्यूब शॉर्टली, एंड आल्सो लाइक आवर यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब दैट, एंड also press the bell icon so that you get all notifications in time. I am Sachin Goyal, director of this academy, and I promise ki aapki har problem ka solution aapko milega, provided aap hume bataye koi bhi queries ho, koi questions ho. We are going to start fresh online coaching batches. Ji haan, ab sab coaching online hum de rahe hain, theek hai. Online coaching ke jo new बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं वो फर्स्ट वीक ऑफ द नेक्स्ट मंथ होंगे, ठीक है। यू कैन कॉल मी ऑन माय मोबाइल नंबर 9988003622, कॉल और व्हाट्सएप, ओके। ऑल योर क्वेरीज शैल बी सॉर्ट आउट, फाइन। बाय बाय, सी यू, मे गॉड ब्लेस यू। आई हियर बाय एंड दिस सेशन, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, ओके।